आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बच्चों, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के विषय में पढ़ने से पहले मैं आपको यह बतला देती हूँ कि आखिर इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त, प्रभावपूर्ण, आकर्षक एवं साहित्यिक बनाने के लिए भाषा के प्रयोग में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को गहराई के साथ व्यक्त किया जा सकता है, साथ ही भाषा भी सरस और सहज बन जाती है। अब हम जानते हैं कि ये मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा जो शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है तथा मुहावरे एक ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं मुहावरे। अर्थात मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक ना होकर के एक विलक्षण अर्थ होता है और ताक्षणिक अर्थ होता है। तो मुहावरे की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं मुहावरे, या वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि दांत काटी रोटी। अब यहाँ पे दांत काटी रोटी का अर्थ यह नहीं है कि दांत से काटी हुई रोटी है, बल्कि इसका अर्थ है गहरी मित्रता। तो बच्चों आपने देखा, तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि इस वाक्यांश का सामान्य अर्थ ना निकल करके एक विशेष अर्थ निकल रहा है। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या हो गया? गहरी मित्रता। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से होगा कि साक्षी और नीलम में दांत काटी रोटी है, अर्थात साक्षी और नीलम में गहरी मित्रता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, एक विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुहावरा। इसके और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि टोपी उछालना। अब यहाँ पर टोपी उछालने का अर्थ यह नहीं है कि टोपी को उछाल रहा है या टोपी को उछालना है, बल्कि इसका अर्थ है अपमानित करना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा कि बेईमान मंत्रियों की टोपी उछालकर पत्रकार ने ठीक ही किया, अर्थात बेईमान मंत्रियों को अपमानित करके पत्रकार ने अच्छा किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यह विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं मुहावरा। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। बच्चों, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक धन उक्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, अर्थात मानव समाज के अनुभव सार को लोकोक्ति कहते, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि लोगों के अनुभव पर कही गई बातें लोकोक्ति कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि लोगों के अनुभव पर कही गई बातें लोकोक्ति कहलाती हैं, तथा लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं। अधिकतर जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका संबंध प्राचीन लोक कथाओं से होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतर लोकोक्तियों का संबंध प्राचीन लोक कथाओं से होता है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इस प्रकार से इसमें एक लोक कथा है कि इसमें राधा और कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी है। जब राधा से कृष्ण ने नाच सिखाने के लिए कहा तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि पहले मशाले का जलाने के लिए 9 मन तेल लेकर आओ। इस पर कृष्ण ने कहा
कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अधिकतर लोकोक्तियों का संबंध किससे होता है, प्राचीन लोक कथाओं से होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, अर्थात लोगों के अनुभव पर कही गई बातें लोकोक्ति कहलाती हैं तथा इन्हें हम कहावत भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ और बातें मैं बतला देना चाहती हूँ कि जैसे कि आज हमने पढ़े मुहावरे और लोकोक्ति, तो मुहावरे का प्रयोग तो स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह होता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं एक मुहावरे के लिए, जैसे कि अंग अंग मुस्काना, यह एक मुहावरा है। तथा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, तो इस उदाहरण के अंतर्गत आप देखना, एक मुहावरा लेते हैं जैसे कि अंग अंग मुस्काना। अब यह एक मुहावरा है, इसके लिए पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा। जैसे कि मित्र को देख करके तरुण का अंग अंग मुस्कुरा उठा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सका, बल्कि इसके लिए हमें पूरा वाक्य बनाना पड़ा। वहीं हम देखते हैं लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि राम कहता है कि 500 रुपये हो तब पर्वत यात्रा पर जाएंगे। यह तो वही बात हुई कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अर्थात ना तो हमारे पास 500 रुपये होंगे और ना ही हम पर्वत यात्रा पर जाएंगे। तो इस प्रकार से लोकोक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है स्वतंत्र वाक्य की तरह, जबकि मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिससे आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ पढ़ा है आप उन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सकें, यानी आप जान सकें कि आज आपने कितना पढ़ा है। तो पहला प्रश्न है, बंदर गुड़ की उपयुक्त मुहावरे का नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ चुनिए। अच्छा ना लगना, कोरी धमकी, रहस्य प्रकट करना या फिर डर कर रहना। इसका सही उत्तर है कोरी धमकी। अगला प्रश्न है, कायर होना उपयुक्त शब्दों का नीचे दिए गए मुहावरों में से सही मुहावरा चुनिए। छिपा रुस्तम, गीदड़ भपकी, चूड़िया पहनना, कीचड़ उछालना। इसका सही उत्तर है चूड़िया पहनना। कायर होना इसका, इन शब्दों का मुहावरा होगा चूड़िया पहनना। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना उपयुक्त मुहावरे का नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ चुनिए। डर कर रहना, अच्छा ना लगना, आलोचना करना। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है आलोचना करना। बाल की खाल निकालना अर्थात आलोचना करना। अगला प्रश्न है, अंधी पीसे कुत्ता खाए उपयुक्त लोकोक्ति का नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ चुनिए। परिश्रम का फल ना मिलना, काम कोई करे और लाभ किसी और को मिले, नेकी का फल ना मिलना, पीछा ना छोड़ना। इसका सही उत्तर है काम कोई करे और लाभ किसी और को मिले। अगला प्रश्न है, घर की चीज का आदर नहीं होता उपयुक्त शब्दों की नीचे दी गई लोकोक्तियों में से सही लोकोक्ति चुनिए। घर का बेदी लंका ढावे, घर की मुर्गी दाल बराबर, खोदा पहाड़ निकली चुईया, 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका सही उत्तर है घर की मुर्गी दाल बराबर।